हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ भिंडी की रेसिपी, तो सब्जी यानी कि, तो मैं सब्जी दिखाती हूँ। मैं आज भिंडी और आलू की सब्जी बनाऊंगी और मसालेदार बनाऊंगी। तो मैंने सारे मसाले ले लिए हुए हैं टमाटर के साथ, टमाटर भी डालूंगी और इसमें प्याज, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के बनाऊंगी। और चलिए, मैं हमारी वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को मैं सब्जी बन जाएगी जब मैं दिखाऊंगी। हमारा ऑयल गरम हो चुका है गैस पे, तो ये कल की कढ़ाई थी, मैंने कल पूड़ियाँ बनाई हुई थी, जो मैंने मतलब मैं द्वादशी को पंडित जी को खिलाती हूँ, तो वही कढ़ाई में था, रिफाइंड था। रिफाइंड तो निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा था, तो अब इसमें ऑयल डाल के मैंने प्याज डाल दिया हुआ है, हरी मिर्च। आप लोग बोलोगे कि कढ़ाई बहुत काली हो रही है, तो ये लोहे की कढ़ाई है, कितनी भी साफ करिए आप पर हो ही जाती है। अब कल एकदम साफ थी और पूड़ियाँ बनाई, मतलब उसी में एकदम से ये हो गई काली। और मैं इसको अब सब्जी बना के फिर साफ करके रखूँगी। लोहे की कढ़ाई ज़्यादा साफ नहीं होती है पूरी तरह से, और बट मैं साफ तो कर लूँ। और मेरा ये एक जो राइट हैंड है ना, तो वो उसका बहुत दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका था, तो मेरा हाथ है ना थोड़ा उसमें से थोड़ा पुश, मतलब ताकत कम लगती है उस हाथ से, तो इसलिए मैं कम इसको साफ कर पाती हूँ। जैसी होती है वैसे साफ कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग ये मत बोलना कि ये इतनी काली कढ़ाई, इसीलिए मैं जितनी होती है ताकत लगा के कर लेती हूँ, उससे मेरे से मतलब ज़्यादा काम नहीं, सीधे हाथ से मेरे से ज़्यादा, जैसे कि कोई ज़्यादा वैसा काम हो, हार्ड काम तो नहीं होता है मेरे से। तो ये देखिए, हमारा प्याज भूनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दिया हुआ है मैंने, तो अब हम इसको कुछ देर के लिए ढककर इसमें बंद कर दें ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और हम इसमें फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो नमक डालने के बाद जब मैं ये भिंडी आलू डाल दूंगी और हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। हमारी वीडियो में बने रहिए, यदि मैंने कुछ बोलने में गलती की हो उसके लिए सॉरी। और चैनल पे हमारे जो नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारी वीडियो में बने रहें। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने जैसे बताया हुआ था कि हमारी कढ़ाई बहुत काली हो रही है, तो मैंने कहीं पे देखा तो मुझे किसी ने बताया आप इसे साफ करिए। तो ये देखिए, आज मैं नींबू से, नींबू और थोड़ा सा मैंने सोडा डाला हुआ है इसमें, थोड़ा सा ये बिम्बा लिया हुआ है इतना लेके, और मैंने इस कढ़ाई को इतना साफ कर लिया। ये देखिए कितनी काली हो रही थी, आप लोग खुद ही देख रहे थे हमारी वीडियो में कि कितनी काली कढ़ाई थी। तो आज मैंने सोचा, इसी हाथ में मेरे थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था पहले, तो इसीलिए मैं इस हाथ से मेहनत कम होती, पर मैंने सोचा आज चलिए धीरे 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 करके मैं इस कढ़ाई को छुड़ाती हूँ, देखें कितना छूटेगी। तो जब ये पूरी तरह से साफ हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर जलते हैं बर्तन तो नींबू से आप साफ करिए, थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए और नींबू, नमक, वो नमक भी आप डाल सकते हो, और ये जो बर्तन धोने का साबुन होता है वो लेके आप इसी से साफ करिए। इसी से मैंने ये सारी कढ़ाई इतनी साफ कर दी है, और आगे हमारी वीडियो बने रहिए। जब हमारी कढ़ाई पूरी तरह से साफ होकर अच्छी तरह से धुल लूँगी तब मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी कि कितनी आज मैंने मेहनत की है इस कढ़ाई में। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को ये दिखाई हुई थी फुलवारी, तो अब ये देखिए लोई की बेल देखिए कितनी बड़ी हो गई है, और इसमें 2-4 दिन में ही पत्ते बहुत सारे खिल गए हैं। और ये देखिए,
ये बिल्कुल सूखी डंडी थी, इसमें भी देखिए पत्ते निकल आए हुए हैं और मिर्च भी इसमें देखना, ये कोई बीज निकल, मैंने करेला का बीज डाला हुआ था, शायद करेला ही निकल रहा है इसमें। और ये देखिए जितनी भी सूखी डंडियां थीं सब हरी भरी हो गई हैं और गिलोय हमारे लिए तैयार हो गई है। और ये देखिए यहाँ तक चली जा रही है ये मैंने डंडी रख दी है क्योंकि इसी में मैं ना लपेट दूंगी इसको। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पत्ते, बहुत अच्छे लग रहे हैं हरे हरे। ये देखिए यहाँ से अभी मैंने पानी डाला हुआ है, 5 बज रहा है तो मैंने कहा ये छाया आ गई है तो चलिए यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। ये देखिए मैं बहुत खुश होती हूँ जब ये बढ़ रहे होते हैं ना पेड़, तो मुझे खुशी होती है कि चलो लग रहे हैं। ये देखिए इतनी लंबी, ये कहाँ छोटी थी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी थी अभी 2-4 दिन पहले, अब इतनी लंबी हो गई। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया हुआ था कि मैं कढ़ाई दिखाऊंगी, देखिए हमारी कढ़ाई कितनी साफ़ हुई है और कितनी काली थी देखने में, तो अब इतनी साफ़ हो गई है। अब ये किनारे किनारे नहीं साफ़ हो रही थी तो मैंने नहीं ज़्यादा छुड़ाया, तो इतनी देखिए मैंने नींबू से और छोटे से विम बार लगा कर इतनी साफ़ की है। देखिए कितनी साफ़ हो गई कढ़ाई, अब अच्छी लग रही है। कल फिर कुछ बनाऊंगी तो फिर काली हो जाएगी। ये लोहे की कढ़ाई, और मुझे लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाना, सब्जी वगैरह मुझे सब इसी में अच्छा लगता है। मेरे पास वैसी भी कढ़ाई है जो किसकी बोलते हैं एलुमिनियम की, तो उसमें मैं नहीं बनाती हूँ, और मुझे तो बस इसी लोहे की कढ़ाई में ही खाना अच्छा लगता है बनाना, सब्जी वगैरह मैं सब इसी में बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी है, आप लोगों को पसंद आई। और बस इतना ही, थोड़े बहुत काम मैं दिखाती रहती हूँ अपने, और चलिए कल फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक लिए बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचते रहिए सभी लोग, और बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, हर जगह हो रही है, ये कोई जगह अब सेफ नहीं रही है जहाँ ये बीमारी ना पहुँचे, सभी जगह इसने पैर फैला लिए हुए हैं। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ऑल फ्रेंड्स टेक केयर।